हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल, मेरा नाम है अकबेक। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर गलवान घाटी को लेकर इतना तनाव क्यों है भारत और चीन के बीच। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले कई हफ्तों से तनाव की स्थिति है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। तो LAC क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा। भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है, जो कि 4057 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत के कब्जे वाले क्षेत्र और चीन के कब्जे वाले क्षेत्र अक्साई को जम्मू और कश्मीर में अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच इस तनाव की शुरुआत हुई थी। भारत का कहना है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए थे। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के आसपास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। मई में दोनों देशों के बीच सीमा पर अलग अलग जगह दोनों देशों के बीच टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुकोई समेत दूसरे लड़ाकू विमान से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये तनाव किसी भी चीज़ के लिए हो, लेकिन इतना तो मैं कहना चाहूँगा कि 1962 और 2020 में बहुत बड़ा फ़र्क है। 1962 में देश कुछ और था, और अब 2020 में हमारा देश कुछ और है। तो चीन को जो भी कदम बढ़ाए, सोच समझ के ही बढ़ाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन दबाओ, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आप उसको मिस ना कर पाएं, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि हमारी कोई नई वीडियो आई है। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ, दुआ में याद रखना, और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।